बनाने के लिए काम कर रही है। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपुरी आए। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी केपी यादव और नरेंद्र मोदी के लिए सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी रायबरेली में बच्चों को गालियां सिखाती है। कमलनाथ के लिए उन्होंने कहा, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शपथ ले रही थी तब पाकिस्तान में तालियां बज रही थी। उन्होंने कहा, देश में कोई आपदा आती है तो राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं, उन्हें अपनी नानी याद आने लगती है। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर सेना के नाम पर सेना का जिक्र करके वोट मांगने की कोशिश की। पुलवामा हमला, एयर स्ट्राइक का जिक्र शिवपुरी की जनता के बीच किया और मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए शिवपुरी की जनता से बोला। उन्होंने कहा, मोदी के 4 साल कांग्रेस के 55 साल पर भारी है। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोग, अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने पर क्यों मौन हैं? पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनको क्या दिक्कत आ रही है? सेना के शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय कांग्रेस का नेतृत्व मौन क्यों है? ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और भाइयों बहनों, राजनीति में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दो टुक बात होनी चाहिए और सीधी सीधी बात की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता को 4 महीने पहले कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, क्या उन वायदों को पूरा किया? क्यों यहां पर फिर से यहां पे क्यों गुंडागर्दी और अराजकता फिर से सिर उठाने का दुस्साहस?